हेलो फ्रेंड, सो लर्न वन की वर्ड सीरीज़ में अभी अभी हमने देखा है कि किस तरह से हम अपनी इमेज को फॉर्मेट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने फ़ोटोग्राफ के अंदर कुछ भी करेक्शंस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमको कुछ स्टाइलिश फॉन्ट या कुछ ऐसा टेक्स्ट डालना है जो थोड़ा बहुत फैंसी लुकिंग है, तो वो हम अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। अभी हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का एक डॉक्यूमेंट ओपन है। जैसे जैसे मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसमें प्रॉपरली टेक्स्ट हेडिंग है, एक फुटर हमने बनाया था, कुछ टेबल्स हैं। सो जो जो चीज़ें अभी तक हमने की वो सारी चीज़ें। अब इस डॉक्यूमेंट के लास्ट में मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा सा एक स्लोगन ट्री से रिलेटेड यहाँ पर हो। सो उसको हमको एक ऐसे फैंसी फॉन्ट्स में डालना है जो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह नहीं दिखता हो, बल्कि टेक्स्ट को इमेज की तरह कंसीडर करता हो। ऐसा अगर मुझे कुछ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमें ऑब्वियसली कुछ इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए रिबन सेक्शन के अंदर हमारे पास इंसर्ट टैब है। तो जैसे आप राइट की तरफ देखते हो, यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। अगर मुझे कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, आप इसमें से सेलेक्ट करके कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो। पास में हमारे पास एक ऑप्शन है वर्ड आर्ट। जैसे ही मैं वर्ड आर्ट पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ अलग अलग तरह के स्टाइल्स में कुछ प्रीसेट्स यहाँ पर बने हुए हैं। तो आपको जिस भी तरह का प्रीसेट अच्छा लगता है आप उस तरह का प्रीसेट को सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज़ हम ग्रेडियंट फिल ब्लू एक्सेंट 5 रिफ्लेक्शन वाला लेते हैं, या मैं अभी इसको ले लेता हूँ वाइट आउटलाइन एसेंट 5 शेडो। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा कुछ बन जाता है और उसके अंदर आता है योर टेक्स्ट हियर। हम इसमें क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड। सो आप देख सकते हो कि जिस तरह का स्टाइल आपने सेलेक्ट किया था उस तरह के स्टाइल में आपका टेक्स्ट आ गया। अब रही बात इसको कैसे पोजीशन करना है, तो यहाँ पर एक लेआउट का ऑप्शन है। हम क्या चाहते हैं कि ये उसी तरह से आए कि टॉप एंड बॉटम में भले टेक्स्ट आ जाए, इसके आसपास कुछ ना आए, और इसकी जो भी पोजीशन है वो हम फिक्स रखना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट के साथ मूव ना करें। तो हम इसको कर देते हैं फिक्स पोजीशन ऑन टेक्स्ट और बाहर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही मैं इसके बॉर्डर पर लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अब मुझे इसको सेंटर में रखना है तो हमारे पास यहाँ पर एक ग्रीन गाइडलाइन दिख रही है। सो अभी मेरा टेक्स्ट बॉक्स एकदम सेंटर में आ गया है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो फॉर्मेट के अंदर हमारे पास कुछ अलग से यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अलग से इनके ऊपर होवर करके देख सकते हो। आप चाहते हो कि आपको और दूसरे प्रीसेट में जाना है, हमने जो सिलेक्ट किया था वो नहीं अच्छा है, तो हम यहाँ से दूसरा प्रीसेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ हमको अब ये अच्छा लगता है तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अगर आपको इसको और भी फॉर्मेट करना है तो वो भी पॉसिबल है। जैसे कि आपको इसका टेक्स्ट फील देना है तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वाला जो ए दिखता है उसमें इसका टेक्स्ट फील है। ट्रीज़ की बात हो रही है, हमारी थीम भी ग्रीन है तो हम कुछ ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका जो भी आउटलाइन है वो आपको किस तरह से रखना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अपनी आउटलाइन को और डार्क ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड अगर आपको इसके और भी फॉर्मेट के ऑप्शंस देखने हैं, जैसे शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, बिवेल है, जो हम पहले अपने वीडियोज़ में देख चुके हैं, वो सारी फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ पर से कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको चाहिए कि ये वाले शेप के कुछ और फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यहाँ पर चाहिए तो आपको किस तरह का शेप का कलर रखना है वो आप यहाँ से दे सकते हो। तो जो भी रेक्टेंगल हमारा इसके अंदर है उसका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। साथ में अगर आपको इसके आउटलाइन चाहिए, अभी यहाँ पर कोई आउटलाइन नहीं है, अगर आपको इसके लिए एक आउटलाइन देना है तो आप आउटलाइन कलर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आउटलाइन का वेट हम यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो भी आपने टेक्स्ट दिया है वो एक अच्छे फॉर्मेट में यहाँ पर सबको विजिबल हो जाएगा।
तो जब आपकी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाए तो बाहर क्लिक कर दीजिए सो दैट आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो हम जो चाहते थे कि हमारे डॉक्यूमेंट के लास्ट में एंड में एक अच्छा स्लोगन जैसा कुछ आए इन अ फैंसी टेक्स्ट, तो वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। सो यू कैन सेलेक्ट योर प्रीसेट ऑफ द वर्ड आर्ट एंड जस्ट अप्लाई इट।